हेलो, जय हिंद। और दोस्तों कैसे आप लोग? चलिए आज हम एक टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं आपके समक्ष, जो हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसे हम राजद्रोह की धारा के नाम से जानते हैं या आईपीसी की धारा 124A के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि आईपीसी की धारा 124A या राजद्रोह का कानून क्या है। जरा बोर्ड पे एक बार देखते हैं। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ विरुद्ध मौखिक, लिखित, सांकेतिक या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना करने अथवा ऐसा करने के लिए दूसरों को उकसाने के प्रयास दंडनीय होंगे। मिला जुला कर यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, सांकेतिक रूप से या दृश्य रूप से यदि आप सरकार के विरुद्ध कोई किसी एक्टिविटी में शामिल पाए जाएंगे तो ये राजद्रोह के कानून के तहत माना जाएगा और वर्तमान सिचुएशन में 3 साल से लेके आजीवन कारावास तक के सजा का प्रावधान था। हालांकि अभी 11 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अंतरिम आदेश देते हुए जुलाई तक के लिए फिलहाल इसको स्टॉप कर दिया, इस धारा को, इस कानून को। और फिर अब जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। जरा चलते हैं इसके धारा के बारे में, जरा समझते हैं कि आईपीसी का इतिहास क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, और उस आईपीसी 124A का इतिहास क्या है, जरा समझिए। 124A राजद्रोह की धारा, राजद्रोह का कानून, इसकी कहानी भी आईपीसी कहानी के साथ से चालू होती है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस राजद्रोह के कानून को 1837 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इसको आप लॉर्ड मैकॉले के नाम से जानते हैं, ने इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया था। लेकिन जब 1860 में आईपीसी बनाई गई या आईपीसी अधिसूचित की गई तो इसे आईपीसी में स्थान नहीं दिया गया। ये बात, अब बात आती है इसे शामिल कब किया गया, क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, तो समझिए। आपको थोड़ा सा इतिहास में चलता हूँ। 1857 की क्रांति के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। 1860 से 1870 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने यह देखा कि भारत में उनके तौर तरीकों को लोग मान्यता नहीं दे रहे हैं या उनके तौर तरीकों को मान्यता नहीं मिल पा रही है, लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने उस विद्रोह को दबाने के लिए, छोटी छोटी विद्रोह की घटनाओं को कुचलने के लिए इसे आईपीसी में शामिल किया। बहाना क्या था कि भूलवश हम इस कानून को 1860 में शामिल नहीं कर पाए आईपीसी में, लिहाजा भूल सुधार के नाम पर 1870 में इस कानून को आईपीसी में शामिल किया गया। जानबूझकर इस कानून को इतना विस्तृत बनाया गया कि विरोध की छोटी से छोटी घटना कुचला जा सके, दबाया जा सके। और सबसे अच्छी बात जरा समझिए, ब्रिटिश सरकार को जितना भय, जितना डर क्रांतिकारियों से था, उससे कहीं ज़्यादा नेताओं, पत्रकारों और विचारकों से था। ब्रिटिशर्स का मानना था यदि ये लोग उकसाए नहीं जनता को, पब्लिक को, तो जनता विद्रोह आंदोलन नहीं करेगी, प्रदर्शन नहीं करेगी। जानबूझकर इसीलिए इस धारा को इतना विस्तृत किया, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से, इस मतलब हर हाल में मिला जुला कर कहानी इतनी सी है कि विरोध या प्रदर्शन या विद्रोह
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उसकी छोटी से छोटी घटनाओं को कुचलने के लिए कानून लाया गया। अब जरा चलते हैं आगे। अगला हमारा सवाल आता है कि इस कानून के तहत पहली बार भारत में केस कब चलाया गया। तो ध्यान रखिएगा 1870 से हम आगे बढ़ेंगे, जरा 19वीं शताब्दी के बिल्कुल अंत में। तो इतिहास में जा देखिए, कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार सामाजिक रीति रिवाजों को बदल रही थी, समाज सुधार के एक एक कदम उठा रही थी। उसी दौरान क्या होता है, सरकार ले आई एज ऑफ कंसेंट बिल ले आई, उसके खिलाफ बंगाल की एक पत्रिका थी बंगवासी पत्रिका में एक लेख छपा और उस पत्रिका के संपादक, प्रकाशक, लेखक के खिलाफ एक केस फाइल किया गया राजद्रोह का। उस केस को हम बोलते हैं हम लोग क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगिंदर चंद्र बासु एंड अदर्स, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बनाम जोगिंदर चंद्र बासु एंड अदर्स, इनके खिलाफ राजद्रोह का केस भारत में पहली बार चलाया गया। हालांकि बाद में इन्होंने माफी मांग लिया और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन इस केस से ये स्पष्ट हो गया कि राजद्रोह की धारा का प्रयोग कितनी खूबसूरती से अंग्रेज कर सकते थे प्रदर्शन को दबाने को चलने के लिए। अब बात आती है कि ये राजद्रोह का कानून चर्चा में कब आया सबसे ज्यादा। तो ध्यान दीजिएगा, ये चर्चा में सबसे ज्यादा तब आया जब 1898 में बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ ये कानून के खिलाफ मुकदमा चलाया गया राजद्रोह का। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक एक बगावती नेता के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। उनकी दो पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी मराठा और केसरी। उनकी पत्रकारिता से ब्रिटिश सरकार भयभीत थी, असहज महसूस करती थी और लिहाजा उनके केसरी पत्रिका की वजह से 1898 में उनके ऊपर राजद्रोह का केस चलाया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तिलक को 18 महीने की सजा सुनाई और 1898 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 1898 से लेकर 1947 तक तिलक के केस को नज़ीर या एग्जाम्पल के रूप में हर अदालतों द्वारा यूज किया गया। और यही नहीं, तिलक के बाद तो फिर लाइन लग गई, बहुत सारे नेताओं को ऊपर लगाए गए। जैसे राजद्रोह का मुकदमा, हम कुछ नाम गिना देते हैं आपको किन किन क्रांतिकारियों पे, आंदोलनकारियों पे चलाया गया, जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, एनी बेसेंट, अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वीरी सावरकर आदि। बहुत सारी, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी कतार अगर गिनाऊँगा तो गिनाता रह जाऊँगा। इन सब पे यूज किया गया इसका। और तिलक के मामले में एक बात कही गई कि इस कानून में हिंसा का होना जरूरी नहीं है। यदि आपने सरकार के खिलाफ जनता की भावनाएं भी भड़काई तो भी राजद्रोह का आरोप साबित हो जाएगा। एक बात, ब्रिटिश काल में इन आरोपियों को, जिनको सजा सुनाई जाती थी, देश निकाला, देश के बाहर भेज दिया जाता था। लेकिन वर्तमान टाइम पे 3 साल से लेकर आजीवन कारावास या उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए तब तक। चलिए अब आगे चलते हैं। 1898 से लेकर 1947 तक इस धारा का प्रयोग व्यक्ति की आज़ादी के विरुद्ध खूब किया गया। जिसने भी आवाज़ उठाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उस पर लगा दिया गया। अब आते हैं 1947 के बाद
जब 1947 संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो के एम मुंशी एक संशोधन लेके आए और उन्होंने सेडिशन को संविधान से बाहर करवाया। इस प्रकार जाके आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का रास्ता खुला। बात और घटना है 1951 की, 1951 घटना है, पंजाब हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते समय कहा कि आईपीसी की धारा 124A वैध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार का हनन करती है, वायलेंस करती है। और आपको पता होना चाहिए भारत में मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं, किसी भी कानून से ऊपर हैं। कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। फिर बात आती है, अगर फिर 1951 में संविधान का पहला संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया और 124A को इस प्रकार बचाया कि अनुच्छेद 19(1)(a) जो हमें देता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, में संशोधन किया और कहा कि इस अधिकार पर, अभिव्यक्ति के अधिकार पर युक्तियुक्त तरीके से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जोड़ दिया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तब से लेकर अभी तक सरकारें जब जब मूल अधिकारों को सीमित करती हैं, मूल अधिकारों का हनन करती हैं, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का ही हवाला देती हैं। अब आते हैं जरा आज़ादी के बाद क्या होता है, कौन किसका आ रहा है कि आज़ादी के बाद सेक्शन 124A को लेकर एक पुराने फैसले का हवाला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के। मैटर है 1962 में केस था जिसे हम केदारनाथ बनाम भारत संघ के नाम से जानते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि सेक्शन 124A वैध है, भारत की एकता के लिए कानून रूप से स्थापित सरकार का होना जरूरी है, उसको क्षति पहुंचाने वाले कामों की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन राजद्रोह का आरोप उन्हीं शब्दों या भाषणों के आधार पर तय किया जाना चाहिए जिनसे हिंसा हुई हो या कानून व्यवस्था बिगड़ी हो। लेकिन 124A के आधार पर फ्री स्पीच के अधिकार को नहीं रोका जा सकता। तब से 1962 से लेकर अभी तक इसी फैसले का को सारी की सारी अदालतें अनुकरण करती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय खंडपीठ ने इसका फैसला दिया था। तब से अभी तक सारी की सारी अदालतें इसी का हवाला देती हैं। और अभी 2018 में लॉ कमीशन ने भी एक रिपोर्ट दिया था कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए सेक्शन 124A आवश्यक है, लेकिन इसका उपयोग या इसका यूज़ अभिव्यक्ति की आज़ादी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, स्पष्ट उसका उल्लेख किया, तो मामला दोबारा कोर्ट क्यों पहुंचा? अब ध्यान के, दरअसल अदालतें समय समय पर कानूनों की व्याख्या करती हैं, लेकिन आजाद भारत की सरकारें उसका यूज अपने अपने हिसाब से करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत किया करती थी। हाल ही के कुछ चर्चित मामले हैं, समझ लीजिए, अभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल साहब वहाँ पे सीएम है, वहाँ पे सीपी सिंह आईपीएस थे, उनको उनके पास एक डायरी मिली एंटी करप्शन ब्यूरो को छत्तीसगढ़ के। उस डायरी में छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ मैटर लिखा था, लिहाजा सीपी सिंह के ऊपर 124A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा ये है घटना 2021 की, 2021 जुलाई की, और 2021 में ही आपको पता होगा कोरोना के सेकेंड वेव में कितने लोग मर गए। तो हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार, विनोद दुआ जो कि पत्रकार है, उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करती है ये कह के कि कोरोना काल में खामियों को लेकर आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आलोचना किया, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया कि राजद्रोह का कोई मैटर नहीं बनता है। अब आइए फरवरी 2022 में, अभी हाल ही में 4 मिनट 3 मिनट पहले घटना है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने द कश्मीर वाला मैगजीन के संपादक को फिर राजद्रोह का केस दर्ज किया। ये हवाला देते हुए कि आपकी सोशल मीडिया पोस्ट से जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले एजेंसियों की छवि को धूमिल करती हैं। और सबसे हालिया में सबसे चर्चित मामला हनुमान चालीसा को लेकर है। आपको पता होगा बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था जिसमें महाराष्ट्र की अमरावती सीट से सांसद नवनीत राणा, उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने ऐलान किया कि हम सीएम उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उद्धव ठाकरे सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो जजेज पुलिस की कहानी से या पुलिस के तर्क से सहमत नहीं नजर आए, लिहाजा उनको जमानत मिल गई। अब जरा देखिए छत्तीसगढ़ में मैंने क्या कहा, अभी आपको बताया कि सरकारें अपने अपने हिसाब से करती हैं, चाहे वो कोई सरकार हो। छत्तीसगढ़ देखिए कांग्रेस सरकार, हिमाचल भाजपा सरकार, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य समय है, महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार, सभी ने राजद्रोह की धारा का प्रयोग अपने अपने हिसाब से किया। दरअसल कहानी यह है, अब देखिए अगर पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए राजद्रोह का मुकदमा बना देती है और जब मैटर जाता है कोर्ट में तो पुलिस अपने दावे के अनुरूप दलील या साक्ष्य नहीं दे पाती है, लिहाजा तारीख पर तारीख मिलती रहती है और लोग जेलों में सड़ते रहते हैं। इस धारा का दुरुपयोग धड़ल्ले से हर सरकारें करती हैं अपने प्रतिद्वंदियों विपक्षियों को दबाने कुचलने के लिए। अब आगे बढ़ते जरा इसी धारा की बात करें, अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीजीआई साहब एनवी रमन्ना ने एक टिप्पणी किया था इस कानून को लेकर। उन्होंने कहा था जब हम इस कानून के उपयोग या यूज का इतिहास देखते हैं तब पता चलता है कि जैसे कुछ एक फर्नीचर बनाने के लिए किसी बढ़ई को आरी दी गई तो वह एक पेड़ काटने के बजाय सारे जंगल को ही काटने लगा। इस कानून का असर ऐसा ही है। फिर बात आती है कि जब इतना सब हो गया तो अब बात आती है कि ये दोबारा मैटर सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा। अभी हम बोर्ड पर लिख देंगे, करीब 8 याचिका करता है, उन्होंने याचिका लगाई थी और उन्होंने 124A की कानूनी वैधता पर क्वेश्चन उठाया है। इसका मतलब अब सुप्रीम कोर्ट को अपने 1962 केदारनाथ वाले मामले के फैसले की समीक्षा करनी पड़ेगी, दोबारा समीक्षा करनी पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी
कुछ महीने पहले हमारे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना जी का एक कथन बड़ा चर्चा में आया था। उन्होंने कहा था इस कानून को लेकर कि यह एक कॉलोनियल या औपनिवेशिक कानून है जिसको बनाने का मकसद क्रांतिकारियों की आवाज़ को कुचलना दबाना था। राजद्रोह की धारा का प्रयोग महात्मा गांधी, तिलक, भगत सिंह, एनी बेसेंट आदि जैसे नेताओं की आवाज़ को दबाने के लिए भी किया गया। फिर उन्होंने लास्ट में बात कही थी कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद क्या यह कानून आवश्यक है, क्या यह कानून आवश्यक है। फिर उन्होंने बात कही थी और सबको पता भी है कि भारत सरकार पिछले कई वर्षों से बहुत सारे पुराने कानूनों को ख़त्म कर रही है, मुझे नहीं पता वो इस कानून पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं जरा। फिर जब इस मैटर पे बीच बीच सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा कि इक्का दुक्का मामले में दुरुपयोग होने की वजह से पूरी धारा या कानून को ख़त्म कर देना का कोई औचित्य नहीं है। फिर क्या होता है कि कुछ महीनों पहले केंद्र सरकार कोर्ट में अपना बयान देती है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की भावनाओं के अनुरूप सरकार इस कानून में की समीक्षा करना चाहती है, कृपया हमें कुछ मौका, कुछ समय दिया जाए। फिर लेटेस्ट डेट पड़ी 11 मई 2022 को और 11 मई 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए इस कानून को फाइनल डिसीजन तक के लिए पोस्टपोन कर दिया और तीन प्रकार के आदेश जारी किए। पहला एक न्यायिक आदेश है जो कि निचली अदालतों के लिए है। कहा गया कि जिन लोगों पर इस कानून के तहत ट्रायल या मुकदमा चल रहा है उसे एविडेंस किया जाए, इसका मतलब कि अब इन कानून के तहत इनको सजा न सुनाई जाए। प्लस सरकारों और प्रशासन को कहा कि जब तक इस पर फैसला न सुना दिया जाए, फाइनल डिसीजन ना आ जाए, तब तक एक इंस्ट्रक्शन है इस धारा के तहत कोई केस दर्ज ना करें और यदि ना करें, ये हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है, ना करें, यदि कर लिया है किसी वजह से तो उस व्यक्ति की जमानत पर विचार किया जाए, सहानुभूति दर्शाई जाए। और अब जरा हम आते हैं राजद्रोह के बारे में, ध्यान दीजिए। राजद्रोह का कानून ब्रिटेन से आया था और ब्रिटेन ने सन 2009 में अपने यहां से राजद्रोह का कानून समाप्त कर दिया। हम भारत की बात कर लें, भारत में एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है, यहां राजा है ही नहीं, तो राजद्रोह क्या मतलब है। भारत में राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क समाप्त कर दिया गया है। राजद्रोह को देशद्रोह से जोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि भारत में जनता द्वारा चुनी सरकार है, भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना और हर 5 वर्षों में सरकार चुनना, बदलना जो भी है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। और उस वजह से कि हम सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं, राजद्रोह का मुकदमा चलाना न्यायोचित नहीं है। भारत में ना तो राजा है, जब राजा ने राजद्रोह मुकदमे, क्या मतलब होता है। और रही बात देशद्रोह के लिए, तो देशद्रोह के लिए बहुत सारी धाराएं हैं, UAPA है, मकोका है, IPC में तमाम धाराएं हैं जो राष्ट्र की, देश की एकता, अखंडता
को सुनिश्चित करती है, उसके खिलाफ एक्टिविटी वालों को दंड देने का प्रावधान भी है। लिहाजा अब देखना है जुलाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आएगा उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। बहरहाल राजद्रोह की धारा के बारे में बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि प्रशासन या पुलिस लोगों को या जिसी वजह दबाव में या राजनीतिक लोगों को खुश करने के लिए राजद्रोह की धारा जरूर लगा देती है, लेकिन कोर्ट में साबित करने के लिए उनके पास सबूत नहीं होता है, लिहाजा उसका तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और लोग जेलों में सड़ते रहते हैं। बदनामी अलग से हो जाती है, क्यों? क्योंकि राजद्रोह और देशद्रोह में हमारे देश में लोगों को फर्क ही नहीं समझ में आता, लगा राजद्रोह बताते देशद्रोह ही है। तो चलिए दोस्तों, अब जुलाई के बाद जब फाइनल डिसीजन आएगा तब हम एक वीडियो आपके सामने और लेकर आएंगे इस टॉपिक पर, और उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगना चाहिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये हाल ही का मामला है, ये करंट अफेयर्स में जा सकता है, और आईपीसी का इतिहास हो ना हो पूछ दे आपसे कब किसने तैयार किया, कब जोड़ा गया, कैसे कैसे क्या हुआ, जो मैंने बताया अभी तक पूरी वीडियो में आपको। तो ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, इस सबके काम का है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए और शेयर खूब करिए, अपने दोस्तों मित्रों सभी को शेयर करें। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।